नैनीताल में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ ही जाती है। इसी कड़ी में एक और खबर सामने आ रही है कि मुरादाबाद निवासी एक युवक अपनी प्रेमिका को शादी के बहाने नैनीताल ले आया, यहां शारीरिक संबंध बनाकर युवती को छोड़कर चला गया। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मुरादाबाद निवासी एक युवती ने थाने में दी तहरीर में कहा कि पिछले एक साल से युवक संग उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार सुबह युवक उसे घुमाने के लिए नैनीताल लाया, होटल में कमरा लेकर दोनों पूरे दिन साथ रहे और युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसके साथ होटल के कमरे में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवक ने उसको वापसी में काठगोदाम में छोड़कर चला गया। युवती ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसी के साथ ही आपको बता दें, रविवार को युवती ने तलीताल थाने में आकर भी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद ने बताया कि युवती की शिकायत पर मेडिकल जांच के बाद भोजपुर मुरादाबाद निवासी शमशाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।